नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, पांच ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां से असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट निकल के आई है, और ये सारी की सारी परमानेंट पोस्ट हैं, जिसको वन बाय वन करके आज के इस वीडियो में हम डिटेल को कवर करेंगे। और पांचों के पांचों यूनिवर्सिटी में हिंदी सब्जेक्ट है, तो मैं स्पेशली हिंदी सब्जेक्ट से अपने चैनल के माध्यम से रिक्रूटमेंट की डिटेल को अपडेट करती हूँ, और इसी तरह की पीएचडी अपडेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की अपडेट स्पेशली हिंदी सब्जेक्ट से, जो आपको भी पता है बहुत रेयर निकलती है, उसकी डिटेल को हम कवर करेंगे। तो जो पहली यूनिवर्सिटी है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा आपको, जिसको आपने डाउनलोड करके इसकी डिटेल को कवर करना है। तो ये वो नोटिफिकेशन है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो देखिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 30 मार्च है, और हार्ड कॉपी भेजने की 7 अप्रैल और 25 फरवरी से फॉर्म फिल होने शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सब्जेक्ट देख लीजिए, टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट हैं 18, जिसमें से हिंदी भी है। हिंदी के टोटल कितनी है सीट, तो 4 सीट है हिंदी में, जिसमें एक है एससी कास्ट में, एक है ओबीसी कास्ट में, एक और दो है जनरल कास्ट में। तो टोटल 4 सीट है, बाकी आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसकी जो पे स्केल है लेवल 10 की मिलेगी, और एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, हर पोस्ट के एक्सपीरियंस मेंशन किए हैं, जिसमें आपका 55% से पीजी प्लस नेट होना चाहिए, और जिन्होंने पीएचडी कर रखी है उनका 2009 और 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पीएचडी होना चाहिए। वो कैंडिडेट जो पीएचडी कर रखे हैं 2009 से 2016, 2009 या 16 के रेगुलेशन से, वो नेट से एग्जेम्प्ट रहेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसकी जो फीस है, इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद इसकी जो हार्ड कॉपी है डॉक्यूमेंट अटैच होने के साथ आपने भेज देना इसके एड्रेस पे। एड्रेस यहाँ पे इस फॉर्म के नीचे ही मेंशन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। पहले इसका देख लीजिए फीस कितनी है, फीस काफी ज्यादा है, एप्लीकेशन फीस। परमानेंट पोस्ट है तो इसी वजह से इनकी जो फीस है काफी ज्यादा है। अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2500 है, एससी एसटी के लिए 1000 फीस है। और यहाँ पे ये एड्रेस दिया है, इस एड्रेस पे आपने भरना है वो अपना मतलब हार्ड कॉपी भेजना है। तो इधर साइड, मतलब कर्नाटका की साइड में जो कंपटीशन होता है बहुत लो होता है, तो अगर इंटरेस्टेड हैं, अपना चांस आजमाना चाहते हैं, तो अप्लाई करिएगा। दूसरी यूनिवर्सिटी जो है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ पे इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में जब आएंगे, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट देखिए, ये डेट पहले लास्ट डेट थी 17 फरवरी, सॉरी 17 जनवरी, इसको एक्सटेंड करके 31 मार्च कर दिया है। यहाँ पे इसका शॉर्ट में आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और यहीं पे इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड करके डिटेल को कवर कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप खुद से भी इस वेबसाइट पे विजिट करके नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड आउट कर लें एप्लीकेशन फॉर्म डालने से पहले, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में जो फीस है बहुत ज्यादा लग रही है। मैं इन शॉर्ट में आपको बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितनी सीट है, 8 सीट है, लेकिन ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं, यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो मेरे चैनल पे काफी ऐसे सीनियर लोग भी जुड़े हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई करिएगा। टोटल 8 सीट है, कैटेगरी वाइज यहाँ डिवाइड किया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की तो नहीं निकली है, पर एसोसिएट प्रोफेसर की निकली हुई है, बाकी की डिटेल आप खुद से कवर कर लीजिएगा। अगली जो नोटिफिकेशन निकल के आई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में आएंगे, एडवर्टीजमेंट डिटेल को डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, यहाँ पे देखिए इसका जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट दी गई है यहाँ पे कास्ट वाइज। यहाँ पे हिंदी में देखिए एक प्रोफेसर की है, जिसमें ओबीसी कास्ट के कैंडिडेट के लिए है, दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए।
इसकी अपडेट तो मैंने पहले भी दे दी थी। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 1500 है, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, और लास्ट डेट इसकी 18 अप्रैल है। इसकी अपडेट मैंने पहले दे दी थी। ये एड्रेस है जहाँ से आप इसको फॉर्म फिलअप करने के बाद हार्ड कॉपी भेजेंगे। उसके बाद जो अगली नोटिफिकेशन है वो निकल के आई है, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही, इसके नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये वो नोटिफिकेशन है, यहाँ पे देख लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल कितनी सीट निकली है, 4 सीट निकली है, नहीं 4 नहीं है, 3 है, जिसमें से जनरल कास्ट के लिए है 3, बाकी SC ST OBC EWS PWD कैंडिडेट के लिए कोई सीट नहीं। यहाँ पे डैश डैश करके मेंशन किया गया है, यानी कि यहाँ पे कोई सीट नहीं है, सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए है। तो इसका भी अपडेट मैंने दे दिया था। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप इजिली विजिट कर पाए। एप्लीकेशन फीस देख लीजिए, 500 रुपए है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई फीस ही नहीं है। जब सीट ही नहीं है तो फीस कहाँ से होगी? तो ये नोटिफिकेशन को भी आप खुद से कवर कर लीजिएगा। मेरा काम है आपको अपडेट करना, बाकी की वेबसाइट पे आप खुद से भी विजिट करके इसकी अपडेट को कवर कर सकते हैं। तो जनरल इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप भी पढ़ सकते हैं आसानी से। और अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश से। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जब आएंगे तो यहाँ पे न्यूज एंड अनाउंसमेंट में आपको टीचिंग पोस्ट करके एक नोटिफिकेशन मिलेगा देखने को, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो ये वो नोटिफिकेशन है, देख लीजिए। यहाँ पे हिंदी में कितनी सीट है, हिंदी में एक ही सीट है, वो भी निकली है PWD कैंडिडेट के लिए, ब्लाइंड लो विजन कैंडिडेट के लिए, तो एक ही सीट है। तो इसकी भी इंफॉर्मेशन मैंने पहले दे दी थी अपने चैनल पे। तो यहाँ पे पहले तो ये प्रोफेसर के लिए है 1 सीट, PWD कैंडिडेट के लिए एसोसिएट प्रोफेसर में कोई सीट नहीं है हिंदी में, और असिस्टेंट प्रोफेसर में हिंदी में सीट नहीं है, बाकी सब्जेक्ट है लेकिन हिंदी में सीट नहीं है। तो ये तो हमने कवर कर ली थी। तो इसी तरह ये हमने आज 5 ऐसी यूनिवर्सिटी से अपडेट को आज के वीडियो में कवर किया। आगे इसी तरह की अपडेट और चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिगार्डिंग और PhD अपडेट रिगार्डिंग, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आप वंचित ना रह जाएं नोटिफिकेशन पाने में, देर ना हो जाए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जैसे जैसे हर स्टेट से नोटिफिकेशन निकलेगी, चाहे वो यूपी, बिहार